अब पिस्ते वाली एक डिश, और इस पिस्ते का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पिस्ते को ब्लांच करना है और छोटा छोटा चॉप कर देना है। जी हाँ, पिस्ता ढेर सारा चाहिए। पिस्ते को ब्लांच किया यानी गर्म पानी में कुछ देर तक रखा, छिलका निकाला, उसके बाद उसे छोटा छोटा चॉप कर लें, क्रश कर लें। और हम बनाएंगे मटन चॉप्स। इसके लिए ये जो मटन के चॉप्स हैं आप बाजार में से ही कटवा लें। उसके बाद एक काम करना है, ये जो मीट है इसमें इसको जरा इस तरह से काट लें और अब नाइफ के बैक से इस तरह से, ये देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, इससे करने से ये होता है, एक तो ये फैल जाता है और दूसरा ये गलेगा जल्दी। अच्छा, मटन कई बार ऐसा मिल जाता है कि जो गलता नहीं है भाई, क्योंकि मीट ऐसा होता है टफ वाला, तो आप उसके लिए चाहे तो पपीता, जी हाँ, ग्रीन पपीता जो है उसको ग्रेट करके उसको मैरिनेट में डाल सकते हैं, वो जल्दी गलाता है मटन को। और अब इन सब को हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट कैसे करना है? एक बड़े बोल में लेकर इसमें नमक, ये लीजिए नमक आ गया इसमें, इसके साथ साथ ये जिंजर गार्लिक, क्रश्ड जिंजर गार्लिक, थोड़ा गार्लिक का ज़्यादा फ्लेवर, थोड़ा चॉप्ड गार्लिक भी इसमें, उसके साथ साथ थोड़े ये रोजमेरी अगर आपको मिल जाए तो, और इसे क्रश करके फिर इसमें डालें। और अब नींबू, नींबू का रस इसमें। और जो अब चीज मिसिंग है वो है पेपर, और पेपर अगर कम डालना है तो छोटी पेपर मिल से, ये देखिए। और अब इसे मिक्स कर ले। मिक्स करके इस मैरिनेट में करीब 1-1.5 घंटा रहने दें। आप फ्रिज के अंदर इसे ढक के रख दें। खैर, मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं एक काम करूंगा, फटाफट तैयारी करूंगा, और उसके लिए ये जो पिस्ता है मेरे पास वो लूंगा, और ये जो मटन के पीसेस हैं उसमें इस तरह से दबा दें, इस तरह से फोल्ड कर दें और इसे दबाकर ऐसे रख दें। अब क्या करना है? अब इसे रोस्ट करना है। थोड़ा प्याज, ये लीजिए। अब ये जो प्याज है इसको जिस ट्रे में आपने इसे पकाना हो आप उसमें ये ले लें। और अब ये जो पीसेस हैं इसको इस तरह से नहीं हम रखेंगे। अब देखिए, इसमें किसी में 2 बोन्स हैं और किसी में 1, तो ऐसा करेंगे ये 2 बोन और 1 बोन, 7, ये इस तरह से ये रख देते हैं हम ये ऊपर। और अब इस पे थोड़ा नमक, और अवन को पहले करीब 220 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें। यानी शुरू में तो चाहिए अवन तेज और फिर चाहिए अवन कम तेज। ये थोड़ा सा तेल, और अब इसको रख देते हैं अवन के अंदर। आप इसको थोड़ा रंग आने दें और फिर इसको हम कुछ और करेंगे, देखते हैं। अच्छा, जब तक वो होता है एक चीज और कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो लहसुन है ये बस छिलके के साथ ये ले लेते हैं हम। लगता है ये पक गया है, ये देखिए पकना शुरू। ये अब जरा लहसुन भी इसमें डाल देते हैं। क्या बात है, लहसुन अपने आप में इतना टेस्टी लगेगा। और फिर इसको ढक कर पकाना है, ये एल्युमिनियम फॉइल इसके ऊपर। एक काम करता हूं, इसमें मॉइस्चर कहीं कम ना हो जाए, इसमें पानी के रूम में डालते हैं। ये ढक दिया, अब इसे हम
पकाएंगे करीब 160-170 डिग्री सेल्सियस पर। और इसे कितनी देर पकाना पड़ेगा, देखिए इसे पकाने के लिए मटन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए आप करीब 35-40 मिनट बाद निकाल कर चेक कर लें। अगर पक गया है तो इसको परोसे गर्मा गर्म, नहीं तो फिर इसको पकने दें धीमी आंच पे, मतलब धीमी हीट के ऊपर, जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए। एक बार गल जाए तो बस जो पिस्ता है वो मटन के साथ, चॉप्स के साथ, लैम्ब चॉप्स के साथ इतना टेस्टी लगेगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसके साथ में जो लहसुन है ना वो ज़रूर खाइएगा छील के। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। पिस्ता लैम्ब चॉप्स के लिए मैं चाहिए 1 कप पिस्ता कुटा हुआ, 8 लैम्ब चॉप्स, 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच ताजी रोजमेरी कटी हुई, 10 काली मिर्चें कुटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 प्याज स्लाइस की हुई और करीब 16 लहसुन की कलियां। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो लैम्ब चॉप्स हैं उसे थोड़ा फ्लैट कर लें किसी स्टेक हैमर से या चाकू की पिछली तरफ से। अब इन लैम्ब चॉप्स में लहसुन, रोजमेरी, काली मिर्च और नमक डालकर मिलाएं और इसे रेफ्रिजरेटर में करीब 1 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इन चॉप्स पर कटा हुआ पिस्ता लगाएं और एक बेकिंग ट्रे में कटी प्याज फैलाकर इसके ऊपर 2 लैम्ब चॉप्स को इकट्ठा करके रखें। इसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़कें और इसे प्री हीटेड ओवन में 220 डिग्री सेल्सियस पर करीब 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें कुछ लहसुन की कलियां और 1 कप पानी डालें, फिर इसे एल्यूमिनियम फॉइल से ढककर 160 डिग्री सेल्सियस पर करीब 40 से 50 मिनट तक पकाएं, या तब तक पकाएं जब तक लैम्ब चॉप्स पूरी तरह से गल ना जाएं, और फिर इसे परोसे गर्मा गर्म।